खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 4। न्यूज इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सिरोंज जिला वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला वक्फ कमेटी के सदस्य डॉक्टर वसीम के नेतृत्व में एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार सीके ताम्रकार को दिया गया। ज्ञापन का वचन करते हुए डॉक्टर वसीम ने बताया कि आरोन रोड पर पुराने पुल के पास मकबरे वाले कब्रिस्तान की भूमि है। इस भूमि पर बरसों से तुरब शाह याकूब शाह के परिवार वाले कब्रिस्तान की देख रेख करते चले आ रहे हैं, जिससे समाज को इन लोगों से कभी कोई बुराई नहीं है, परंतु इनके परिवार वालों ने उक्त कब्रिस्तान के खुद भूमि स्वामी बनके उक्त कब्रिस्तान की जमीन अपने परिवार वालों के नाम करवाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहे हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। किस संबंध में आए आप जी? ये हम रोलपुरा के कुछ साथी हैं हमारे साथ और कुछ सिरोंज के साथी हैं। रोलपुरा के पास मकबरे के पास में कुछ कब्रिस्तान है, इनके खसरा नंबर हमने दे दिए हैं यहाँ पर। उसमें हमें ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर कुछ खबरें हैं और कुछ ज़मीन भी है। वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा और उसको भूमि स्वामी जो है उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। कुछ का तो सौदा होने वाला है और कुछ की तैयारी है उनको सौदा, उसके संबंध में रुकवाने आए। क्योंकि खबरें हैं, जिस जगह खबरें होती हैं वहाँ पर क्या उस भूमि को बेचा नहीं जाता, और अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज कराएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती। कब से हो रहा है वहाँ पर कब्जा? वो तो कई दिन से, वो तो भूमि स्वामी जब कब्रिस्तान का जो होते हैं कुछ गाँव को भूमि स्वामी बना दिया जाता है, वो तो बरसों से उनके बाप दादा भूमि स्वामी चले आ रहा है, लेकिन वो इसलिए होते हैं उनके कब्रिस्तान की देख रेख के लिए होते हैं। उसकी देख रेख करें, वहीं पर रहें, उससे अपना गुजारा भत्ता करें, लेकिन बेचने के लिए नहीं होती। क्योंकि वो बेच रहा है इसलिए हमें ऑब्जेक्शन है कि वो बेचे नहीं उस जगह को, अगर वो रहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। न्यूज़ इंडिया 4 चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।